खाता का नेता नेता चार नेता सर एक हांडी पेता का बंद के लिए। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम नासिक में है फिलहाल और आज हम जा रहे ऑल द वे संगम नेर 2 घंटे ट्रैवल करके सिर्फ एक वड़ा पाव ट्राई करने। ये वड़ा पाव बहुत ज्यादा फेमस हुआ है पिछले 1 साल में जिसका नाम है नसीब वड़ा पाव। सर तुम्हारा चटका दू का सराना चटका देना। हाँ यन्ना देऊन टाका भयानक वेग धारण करा। हम एक्चुअली नासिक में पिछले 3-4 दिनों से है बट बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। आज फाइनली स्काई एकदम क्लियर और वेदर काफी अच्छा लग रहा है। बारिश बिल्कुल भी नहीं था, अभी जस्ट बारिश गिरना स्टार्ट हुआ और एक बड़ा सा ह्यूज क्लाउड है जो कब से हमें फॉलो कर रहा है, वहां पे बारिश गिर रहा है। 74 किलोमीटर ट्रैवल करके हम फाइनली सामनापुर जो संगम नेर में आता है वहां पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे ही नसीब वड़ा पाव सेंटर है और आप भीड़ देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चाचा से मिलने के लिए जो यहाँ के ओनर है और वड़ा पाव टेस्ट करने के लिए भी। तो चलिए पहले चाचा से मिलते हैं। कितने आदमी है माई बाप खाएला दो ने पांच पांच खाना रेगा भाऊ पांच वड़े पांच पाव खाता मध्य दोन ठिकाने दे कोणला सांगू नको या भानगडी भाऊ ये अखंड हरिनाम सप्ताह कर शेकड्याचा तुम्ही खाता का नेता नेता चार नेता सर एखादी पेता का बंद केली अक्का तू सहा खाता का नेता नेता सहा नेता हो देतो माई बाप या अक्काला सहा दे बरं महिना झाला ती अक्का उभी आहे आठवा लवकर चार खाता एक पेता एवढे पैसे कशाला देता। हा यांना देऊन टाका भयानक वेग धारण करा। सर तुम्हाला चटका देऊ का सरांना चटका दे ना दिला का मिरचीला चटका म्हणतो सर आम्ही तुम्ही असं नाराज ना करा माई बाप तुम्हाला काय वाटलं उलट नी गरम कर राहिला। तो यहाँ पे जो भीड़ है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है क्योंकि जैसे ही एक वड़ा का बैच ख़त्म हो जाता है तो दूसरा बनने में टाइम लगता है और तब तक लोग रुकते हैं और ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स के लिए लोग रुके हुए रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो भी है वो वड़ा वो लोग गरम गरम ही बना के दे रहे, फ्रेश बना के दे रहे, कुछ भी आपको पहले से बना हुआ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो भी बहुत सही है। सो यहाँ पे चाचा का बात करने का तरीका जितना यूनिक है उतना ही यूनिक उनका वड़ा पाव है। ये मैंने पहली बार देखा, आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरीके का वड़ा पाव पहली बार देखा रहेगा। ये वड़ा का बैटर है जिसमें वो लोग पाव का एक टुकड़ा डालते हैं और इस वड़ा के अंदर उन्होंने लाल मिर्ची भी डाली है। सो ये देख के मुझे और ऐसे एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं कब ये वड़ा पाव खाऊंगी। सो कांट वेट, एक बैच रेडी हो रहा है तो आई होप इस बैच का वड़ा पाव हम लोग खा पाएंगे। चटका लग रहा है, इतना गरम वड़ा पाव है और उन्होंने मैं इधर रख के बताती हूँ। सो हमने लिया है 2 वड़ा पाव जिसमें आया है वड़ा पाव और मिर्ची। यहाँ पे वो लोग कोई भी चटनी वगैरह नहीं देते और इसका जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपीज़ है पर वड़ा पाव और जो साइज़ है वड़ा पाव का वो भी काफ़ी छोटा है बट प्राइस के हिसाब से बराबर है ये। तो अभी हम लोग खाते हैं इसे। मैं वड़ा पाव का बाइट लेने जा रही हूँ, उसके पहले ना मुझे आप लोगों को इसको तोड़ के दिखाना है। सो ये मैंने तोड़ा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रेड का पीस वो अंदर डालते वो है और बाद में जो वड़ा का बैटर है वो है। बहुत गर्म है वड़ा पाव। बेसन का जो ऊपर का लेयर है ना उसमें उन्होंने ये डाला, कैरम सीड डाला है, यानी कि अजवाइन डाला है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ये लेयर उनका। और जो उन्होंने अंदर पाव का पीस डाला है ना उसके वजह से वड़ा में एक अलग टाइप का सॉफ्टनेस आ रहा है
और चटनी नहीं होने के बाद भी वड़ा का ही टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो जैसे वो चाचा बोलते हैं, चटका लगा के आप ये वड़ा पाव एंजॉय कर सकते हो, बट बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा वड़ा पाव है। नो वंडर यहाँ से लोग 10-10, 15-15 वड़ा पाव पार्सल करके लेके जाते हैं, मज़ा आ गया। अगर आप इस एरिया में आ रहे हो या फिर नासिक से कभी पुणे जा रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे सामने लोग एरोली से आए थे, कुछ लोग पुणे से नासिक जाते समय यहाँ पे स्पेशली ये रूट लेके आए थे, वो पूरा वर्थ इट है, बहुत मज़ा आया। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, चटनी नहीं होके भी इसका टेस्ट बहुत सही लग रहा है। और एक वड़ा का वो एक टिपिकल टेस्ट होता है ना वड़ा पाव का, जो वड़ा का टेस्ट रहता है वो टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छे से आ रहा है। मतलब वर्थ इट है, इतना दूर आके मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं और एक वड़ा पाव ले लूँगा, अपन ऑन द वे भी खा लेंगे, बट बहुत अच्छा वड़ा पाव, मस्ट ट्राई। आई एम सो ग्लैड कि आपको ये वड़ा पाव अच्छा लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा फूडी और मुझे वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इनको फोर्स किया था यहाँ तक ड्राइव करने के लिए, बट अच्छा लगा मुझे कि आपको भी वर्थ इट है, वर्थ इट है, बहुत सही है। तुम्ही खाता का नेता नेता हे भी नेता थे, तस पाहिलं ना तो आपल्या भारतामध्ये सर्व नेताच जास्त खाता। हा तो नमस्ते चाचा, आपके नमस्ते, बहुत वीडियोस देखे हम लोगों ने, और स्पेशली हम लोग मुंबई से आपको मिलने के लिए आए। बड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बात तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आगे बोलो। मुझे ये जानना था कि कितने साल हो गए आप ये वड़ा पाव सेंटर आपने स्टार्ट किया? 1978 में अपन ने ये डाली। अच्छा, मतलब 1978 में आपने शुरू किया था? 1978 के अंदर हमने ये चालू किया, उस टाइम में हमारा 30 पैसे में वड़ा पाव था। और जो आपका ये यूनिक स्टाइल है वो कैसे आपने डेवलप किया, मतलब कहाँ से आपको आइडिया आया इतना यूनिक सर्विंग स्टाइल का? मैं पहले गाड़ी गाड़ी भी गाता था, करवंद है ना, करवंद त्याला काळी मैना म्हणायचे। अच्छा, झालं, काकडी, जाम, जाम म्हणजे पेरू, केळं, बोरं, हे असे मी विकायचो, तर त्यावेळी काहीतरी कॉमेडी करून विकायचो। हा, मग ते गारीगारचा सीजन यायचा, गारीगार म्हणजे आईस फ्रोन, आईस कांडी नसते जुन्या काळात, आईस कांडी ती आम्हाला 2 रुपये शेकडा भेटायची। अच्छा, 2 पैशाला एक भेटायची आणि ती 5 पैशाला विकायची, पण विकताना काय बोलायचं माहितीये का? नाही, लाल भाऊली 10 लावली, सासूवर धावली, नवऱ्याला चावली। अच्छा, कॉमेडी करायची सवय पहिल्यापासून। तो चाचा, अभी आप सेलिब्रिटी हो यहाँ पे, मतलब नाशिक, पुणे, मुंबई से यहाँ पे दूर दूर से लोग खाने आते हैं और आपसे सेल्फी भी लेते हैं, और सिर्फ वड़ा पाव खाने के लिए नहीं, आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो कैसा लगता है आपको अभी? बहुत अच्छा लगता है मैडम, की इतना पब्लिक इतना प्रेम करते है हमारे से, पब्लिक इतना प्रेम करते है, इसलिए हमको बहुत खुशी होती है, इस बात की सुकून लगता दिल को, अच्छा लगता है। थैंक यू चाचा, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू। निकालना ही पड़ेगा, तुम देखो मैं के यही रहता, आप कहाँ से आए बोले? मुंबई से। मुंबई से इतने लंबे से आए तो फिर आपको मिलना ही चाहिए, मैंने ऐसा प्यार से खाने का। चलाओ, सेकेंड राउंड वड़ा पाव का। तो हमारा सेकेंड राउंड ऑफ वड़ा पाव आ चुका है। वड़ा के अंदर जो पाव का पीस डालते हैं ना, उसके वजह से वड़ा जो है वो बहुत मॉइस्ट लगता है। ये एक और वड़ा पाव खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग को और 2 घंटा ट्रैवल करना है अभी। बहुत ज़ोर से चटका लगा चाचा के लैंग्वेज में, यानी कि मैंने मिर्ची खा ली और बहुत ज़्यादा तीखी लगी मुझे, मज़ा आया स्पेशली चाचा को मिलके। और यहाँ का जो गूगल पिन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको यहाँ पर आना रहेगा तो, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि खाता की नेता, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।